खबर बयाना से, जहां पर सब्जी के दाम गिरने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सब्जी की अच्छी उपज के चलते सब्जियों के दाम गिरने से किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों को फसलों का मूल्य लागत नहीं मिल पा रहा, और इस दौरान इंडिया न्यूज संवाददाता ने किसानों से खास बातचीत की। हम बयाना में मौजूद हैं और हमारे साथ में कुछ किसान भाई हैं। किसान भाइयों के बीच में पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये फसल है, यहाँ पर गाजर भी है, मूली भी है, मटर भी है, गोभी भी है और आलू भी इन्होंने बोया है। तो इस बार ज़्यादातर जो भाव हैं, फसल तो हो रही है यहाँ पर, लेकिन सब्जी के भावों में बिल्कुल इनको फसल के दाम नहीं निकल पा रहे। तो हमारे साथ में कुछ किसान मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। सर आप बताएं, आपने जिस तरह से मटर में लागत लगाई है, गोभी में लागत लगाई है, किस तरह से बिक रहे हैं? या वक्त तो मटर 5 रुपए किलो है और गोभी है 2 रुपए किलो जा रही है और लागत बहुत ज़्यादा लग रही है इसमें। धनिया 3 रुपए किलो जा रहा है। तो ज़्यादातर जो यहाँ फसल की अपन बात करें तो फसल तो यहाँ पर इन्हें बोई है, लेकिन गोभी की बात जो एक कर रहे हैं कि 2 रुपए किलो में तो इनका थोक में भाव गोभी जा रही है, और मटर की बात करें तो 6 रुपए 7 रुपए किलो में मंडी में मटर जा रही है। हरा धनिया की बात करें तो हरा धनिया भी इनको करीब 4 रुपए किलो जा रहा है, और आलू की बात करें तो आलू भी कहीं ना कहीं 6 से 7 रुपए किलो मंडी में पहुंच रहा है। और भी हमारे साथ में मौजूद हैं, आप बताएं सर, आपने जो लागत लगाई है उसके दाम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? हाँ जी, 2 रुपए किलो गोभी जा रही है सर, और 5 रुपए किलो आलू जा रहे हैं, 7 रुपए किलो मटर जा रही है, उसमें कोई इनकम मिल नहीं रहा है, और बीज बहुत महंगा आया है, जिम्मेदार पिटे हुए हैं सब। कुल मिला के किसानों का यही कहना है ज़्यादातर जो इनका जो बीज और जो लागत जो इन्होंने लगाई है वो इनको नहीं निकल रही है। कहीं ना कहीं जो इन्होंने जो सब्जी इस बार इन्हें बोई है, इनको आस थी कि सब्जी अगर हम बोएंगे तो अच्छा जो पैसा मिल पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा इनको झेलनी पड़ रही है। कैमरामैन महेश सक्सेना के साथ में दीनू पारसर, इंडिया न्यूज़, बयाना।